नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान कर उनकी पूजा करने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। हम सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से, अपने विश्वास के अनुसार से, अपने गुरुओं के अनुसार से उस आराधना को करते हैं, अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्र के विभिन्न दिवस विभिन्न देवियों के निमित्त निर्मित है। द्वितीय दिवस माँ भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी के लिए भी जाना जाता है। भगवती ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप जो है बड़ा ही दिव्य है। भगवती का स्वरूप साक्षात ब्रह्म तत्व के कारण ही बड़ा सात्विक स्वरूप कहा जाता है। और सफेद वस्त्र धारण करने वाली भगवती, हाथ में माला है उनके और दूसरे हाथ में कमंडल है, साक्षात तपस्वी स्वरूप, जिसको जिसने विशेष तौर पर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक साधना करी। कहा जाता है कि इतने लंबे वर्षों तक, कई जगह अलग अलग प्रकार से वर्णित है, हजार हजार वर्ष तक साधना करने की बात कही जाती है। केवल बेलपत्र के पत्तों का भक्षण कर और उसी से तपश्चर्या का पालन करते हुए भगवती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए साधना करी, उनको प्रसन्न करने के लिए साधना करी और तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि इस साधना से ही जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आज तो हमारा जीवन बहुत छोटा है, कितना लंबा हम जी नहीं सकते हैं जहाँ जहाँ इन लोगों ने साधना करके प्राप्त की। लेकिन इस कलिकाल में भगवान के जो विभिन्न नवरात्र विभिन्न स्वरूपों में भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों की खोज के रूप में उपस्थित हैं, इन्हीं में भगवती का ध्यान कर कुछ ही समय में आप अपने जो मनोकामना को, अपने कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय कर सकते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने वाला दिन, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का दिन, सब कुछ सिद्धियां प्राप्त करने का दिवस, बुद्धि को ठीक करने का दिवस, नमो देवी महादेवे शिवाय नमः प्रकृति भद्रा नेता पंडतास्मताम, इस प्रकार के विभिन्न मंत्र शास्त्र में वर्णित है। किसी भी मंत्र के द्वारा यदि भगवती की स्थापना जो खासतौर पर उनका स्तवन किया जाए तो उससे मनोकामना पूर्ति के जो बन जाते हैं। यदि ब्रह्मचारिणी देवी का कोई सबसे आसान मंत्र जानना चाहते हैं तो वो मंत्र इस प्रकार से, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसको साधारण रूप से आप इस प्रकार भी जप कर सकते हैं। अन्यथा अनेक मंत्र शास्त्र में, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र विभिन्न रूप से बताए गए हैं, उन सब में अपनी मनोकामना के अनुसार से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ब्रह्म बुद्धि जो है वो वास्तविक तौर पर भगवती ब्रह्मा के द्वारा ही प्रदत्त होती है, तो उन सब के स्वरूपों का ध्यान करते हुए यदि इस मंत्र से और नमो साथ साथ देवी सुख का यज्ञ करके जप कर आप अपनी मनोकामना सिद्धि के निमित्त अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनका विशेष तौर पर पूजन करें, भगवती को बिल्व पत्र अर्पित करें, भगवती को बड़े सात्विक प्रकार से दूध से उनको स्नान कराएं और दूध से बनी हुई खीर का भोग उनको लगाया जाए, तो इन सब चीज़ों के द्वारा माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप वास्तविक तौर पर सबसे सात्विक स्वरूप है। कई जगह भ्रांतिवश लोगों ने हमारी संस्कृति में कई सारे कालन ऐसे आए कि जिसके अंदर बड़े बड़े अनेक अनेक प्रकार के लोग हुए, विभिन्न संस्कृति के लोग आए, उन्होंने हमारे धर्म को विभिन्न रूप से आख्यायित करने का प्रयास किया, धर्म को बहुत सारे बातें जोड़ने का प्रयास किया, मांसाहार अनेक प्रकार की चीज़ें, तामसिक चीज़ें, वो सब भारतीय संस्कृति में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन शास्त्र में प्रमाणित चीज़ों को यदि बुद्धिमत्ता के अनुसार से आप देखें तो आप सब अच्छे से समझ सकते हैं कि सात्विकता ही वास्तविक तौर पर भारतीय सनातन पद्धति की मूल निधि है। इस बात को हमें समझना चाहिए, पवित्रता सात्विकता। या एक बात समझें, कई लोग बलि प्रदान करने की बात सोच लेते हैं कि बलि चढ़ाई जाती है, अनेक प्रकार की बात की जाती है। माँ तो भगवती जो है वो समस्त जीवों की माँ है, केवल मनुष्यों की या मेरी और आपकी तो नहीं माँ है, उस जीव की भी तो माँ वही है। यदि हम एक जीव हैं जो एक भाई दूसरे भाई का किसी प्रकार से अहित कर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो क्या माँ प्रसन्न होगी? इस बात को हमें विवेचना के द्वार पे समझना चाहिए और इस चीज को हम समझकर जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो इस सत्य को हम यदि समझ ले, हम लोग वास्तविक तौर पर इस सत्य को समझ ही नहीं पाते और फिर कई कारणवश कई लोग इस प्रकार के हो जाते हैं कि अपनी मनोकामना सिद्धि करने के लिए ये बकरे की आहुति, ये इस प्रकार से आहुतियाँ धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने मन को हटाने का प्रयास करें। शास्त्र में कहीं नहीं वर्णित है, तो मैंने आपको उसका सूत्र रूप से इस आख्यान को आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। कोशिश करें माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जी का ध्यान करते हुए, उनके मंत्रों से स्तवन करते हुए, उनको विशेष तौर पर खीर का भोग लगाएं।
बिल्व पत्र उनको अर्पित करें, दूध के द्वारा भगवान को भगवती को स्नान कराएं, गंगा जल से भगवती को स्नान कराएं, उनके मंत्रों का यज्ञ करें। सबसे श्रेष्ठ जो है वो दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कहा गया है। इन नवरात्रों में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ यज्ञ नित्यपति करते हैं उनके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। देखिए दुर्गा सप्तशती एक तंत्र है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आज किसी भ्रांति के कारण से हिंदी में पाठ कर लेते हैं जी, बहुत सारी पुस्तकें ऐसी मिल गई हैं कि उन्हीं मंत्रों को। देखिए दुर्गा सप्तशती एक तंत्र है, जैसे हमने समझाया दुर्गा सप्तशती तंत्र के रूप में मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा इतनी सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। तंत्र का मतलब है कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स, सब शब्द हैं उनको एक मंत्रबद्ध तरीके से वो एकत्रित किए गए हैं, उनको उसी स्वरूप में जप करने की आज्ञा है। केवल अर्थ नहीं समझना है, मंत्र का साधना का अर्थ केवल ये नहीं है कि आपने अर्थ समझ लिया तो आपकी पूजा हो गई, वो तो केवल ज्ञान का विषय हुआ। लेकिन तंत्र के अनुसार से जिस प्रकार से क्या कहा जाता है, यदि दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ को तंत्र के अनुसार से पूर्ण विधि का पालन करते हुए किया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मनोकामना सिद्ध ना हो, आपका अभिष्ट कार्य जो आपने सोच रखा है वो पूर्ण हो। बिल्कुल होता है कार्य, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो पूर्ण ना हो, लेकिन हम विधि का पालन नहीं करते, हम अपने मन के अनुसार चल जाते हैं। कुछ लोग संसार में उत्पन्न हो गए जिन्होंने अपने नाम को चलाने के लिए विभिन्न पुस्तकें छाप दी, हिंदी में कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन दुर्गा सप्तशती के तंत्र को आप उसकी व्यवस्था को बदल नहीं सकते। व्यवस्था सुव्यवस्थित जिस प्रकार से की गई है, तंत्र के रूप में व्यवस्थित की गई है, उसको उसी रूप से जप कर उसी रूप से कार्य कर केवल ये कहें कि हमें तो संस्कृत आती नहीं है, तो ठीक है भैया, तो आप किसी उपयुक्त ब्राह्मण के द्वारा पंडित जी के द्वारा उसको कराने का प्रयास करें, तब उसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अब ऐसे नहीं कि आप ऑटम बम बनाना चाहते हैं, नहीं जी मुझे तो आता ही नहीं है ऑटम बम के साइंस, मैं तो अपने घर में हल्दी नमक जोड़ जोड़कर फिर ऑटम बम बना लेता हूँ, तो ऐसा थोड़ी चलेगा भैया। जिस प्रकार से एक व्यवस्था है उसका नियम पालन करने की व्यवस्था है उस प्रकार से करें कि तो बिल्कुल, हमने कहा कि भगवान की आप प्रति जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी अनेक प्रकार से साधना करने के विषय हैं, लेकिन तंत्र के संबंध में जो विषय बताया गया है उसको उसी विधि के अनुसार से आपको करने का प्रयास करना चाहिए, तब वास्तविक तौर पर वो चमत्कार आप अपने जीवन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो द्वितीय दिवस है वो भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का दिवस है, उनका ध्यान करते हुए, उनका स्तवन करते हुए माँ भगवती के निमित्त आप यदि यज्ञ में भाग लें, करें यज्ञ अपने घर में नित्यपति करें, तो आपके जीवन में अद्भुत प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि का अवश्य अवसर आपको भी प्राप्त होगा, आपके भी कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।